हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। हम कराने जा रहे हैं मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस आपको रिवीजन कर लेना है। तो आइए चलते हैं मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको 5 मार्कर का और 2 मार्कर का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, तो यहां से मैं लिख रहा हूं, पहले हम देखेंगे मोबाइल में कि अच्छा एक चीज है, क्वेश्चन हम बाद में कराते हैं, एक चीज है उसको पहले आप जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोट में एक चीज लिखवाते हैं, फटाफट उसको याद कर लीजिए, नोट में एक चीज लिखवाते हैं। देखिए अगर यहां लिखा हो अपर में पाई बाई टू, लोअर में 0, पहले मैं देख लूं कि मोबाइल में ये चीजें आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। चलिए इस चीज को आप याद कर जाइएगा, अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0 हो, लॉग देखिए यहां पर अगर साइन एक्स होल डी एक्स हो और यहां हो पाई बाई टू 0, लॉग देखिए यहाँ cos x होल डी एक्स हो स्टूडेंट, तो होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू, आंसर लिख के आ जाइएगा। ये आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है, इसका और इसका यानी दोनों का आंसर है स्टूडेंट ये वाला। थोड़ा फिर मैं देख लूं, ये जो मैंने चीज लिखा है ऊपर फॉर्मूला, वो चीज साफ साफ आपको दिख रहा है एकदम, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम दिमाग में याद कर ले जाइए, ठीक है स्टूडेंट। अगर log sin x अपर लिमिट इतना लोअर लिमिट इतना हो, log cos x अपर लिमिट इतना लोअर लिमिट इतना, दोनों का अपर लोअर सेम हो तो ये आंसर होता है। एक चीज और याद कर जाइए कि अपर लिमिट पाई बाई टू हो, लोअर लिमिट 0 हो, log देखिए अगर यहां लिखा हो cos x होल डी एक्स, तो स्टूडेंट ये किसका उल्टा होता है, cos x तो sin का उल्टा होता है, ये पाई बाई टू 0, यहाँ log देखिए sin x आप याद कर जाइए होल डी एक्स, इसकी आंसर स्टूडेंट क्या होता है तो जानिए आप, यहां अगर माइनस लगा दे स्टूडेंट तो ये होता है पाई बाय टू लॉग टू आंसर होता है, यानी कि इतना ही होगा, लेकिन ये माइनस है यहाँ प्लस है स्टूडेंट। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, साइन वाला नेगेटिव हो कॉसेक वाला पॉजिटिव हो, तो आंसर पाई बाय टू लॉग टू आंसर होता है, आप जानिए इस बात को। चलिए फिर एक और जानिए कि पाई बाय टू 0 हो, लॉग देके आपको यहाँ कॉटेक्स दिया गया हो, होल डी एक्स दिया गया हो, यहाँ लिखा हो पाई बाय टू 0, यहाँ देके आपको लॉग देके यहाँ आपको सॉरी क्या लिख दिया हो, हमें यहाँ sec x लिखना था sec x, और यहाँ लिखना था मुझे cos x लिखना था, याद रखो स्टूडेंट cos का उल्टा sec होता है और sin का उल्टा cosec होता है। अगर sec और cosec की बात हो, होल dx दिया गया हो, यहाँ माइनस दिया गया हो, आंसर होता है पाई बाय टू log 2 आंसर होता है स्टूडेंट, अब जानिए इस बात को। बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये सूत्र कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल है, इसको याद रखिए, एक प्रकार का डिफिनिट इंटीग्रल का एक सूत्र समझिए इसको। तो ये तीन चीजें अगर याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा, और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्कर का आ सकता है ये एग्जाम में, तो मैं इसको साबित कराने जा रहा हूं, इसको साबित कराने जा रहा हूं, तो ये आपसे अपने आप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं ये कराता हूं, अगर ये आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके आधार पर इन चारों को बनाया जा सकता है। तो ये इतना बस याद रखिए कि अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, लॉग cos x हो या लॉग sin x हो तो आंसर होता है पाई बाई टू लॉग टू होता है, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होगा तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होता है तो माइनस में रिजल्ट होता है स्टूडेंट। अब चलिए इस पर क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहले फिर हम मोबाइल के पीछे जाते हैं, देखते हैं सारी चीजें आ रही है, एकदम आ रही है, क्लियर कंसेप्ट पूरा एकदम आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात। चलिए स्टूडेंट अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके काम का चीज है, हो सकता है कि इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, इसमें कोई 4 और 2 6 यानी 6 जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया है इसमें से अगर कोई याद है तो जरूर बना लीजिएगा। अब इस पर क्वेश्चन भी बनाया जाता है, देखिए इस पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछा जा सकता है कि टू प्रूव दैट अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0 हो, लॉग साइन एक्स होल डी एक्स हो, तो बोल रहा है कि इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू, इस बात को साबित करके दिखाइए। देखिए ये किताब का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको साबित करके दिखा दीजिए, आप इसको साबित करके दिखाइए, लॉग साइन एक्स होल डी एक्स अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां देखिएगा तो लंबा है क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई बराबर क्वेश्चन लिखेंगे पाई बाई टू 0 लिखेंगे स्टूडेंट,
और यहां देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, log sin x over dx लिख रहा हूं, इसको मैंने कर दिया समीकरण एक। अब मैं क्या कर रहा हूं गौर करिएगा, नाउ लगा के आई लगा के मैं लिख रहा हूं पाई बाई टू जीरो लिख रहा हूं, और सोचिए यहां से क्या करने वाला हूं कि मैं x के जगह पर जा रहा हूं शिफ्ट करने, क्या पाई बाई टू माइनस x करने जा रहा हूं। ऐसा मैंने सिखाया था आपको डिफिनिट इंटीग्रल को पढ़ाते समय क्लासरूम में किसी शिला के बुक से, यहां पर x पर x के जगह पर अपर लिमिट को शिफ्ट करते हैं, यानी x हटा के पाई बाई टू माइनस x करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे यहाँ ऐसा करेंगे ये टूट के क्या देगा, देखिए ये टूट के देगा पाई बाई टू जीरो, ये आपका सूत्र हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाता है कस एक्स होल डी एक्स, तो ये रखेंगे ही लिखेंगे ही होल डी एक्स दोनों में, ये मेरा समीकरण दो हो गया, ये मेरा समीकरण दो हो गया। अब लिखेंगे एडिंग, क्या लिखते हैं एडिंग लिखते हैं वन एंड सेकेंड, एडिंग वन एंड सेकेंड लिखते हैं, कौन सी एडिंग वन एंड सेकेंड, एडिंग द इक्वेशन वन एंड सेकेंड, एडिंग द इक्वेशन वन एंड सेकेंड। तो चलिए जोड़ा जाए, अगर इसको जोड़ेंगे तो वन आई कितना हो जाएगा, टू आई हो जाएगा, और दोनों में कॉमन बात क्या है तो पाई बाई टू जीरो है और इसको जोड़ना है, इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट घेर देंगे होल डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम पहले ये देख ले कि मोबाइल में पीछे जाकर, मोबाइल के पीछे जाकर मुझे ये देखना है कि भाई दोनों को जोड़ने से जो आंसर आया वो वाला स्टेप इसमें दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको समझ में आ गया होगा, मेरे पास मोबाइल आज एक ही है, बार बार पीछे जाके देखना पड़ रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा लड़ाई बराबर क्वेश्चन, फिर नाउ लगा के कोमा लगा के आई बराबर लिखा गया है, जहां जहां एक्स अपर माइनस एक्स तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, इन दोनों को जोड़ दिया तो वही रिजल्ट यहाँ है। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप देखना है स्टूडेंट, जगह नहीं होने के कारण मुझे मिटाना पड़ रहा है, जगह नहीं होने के कारण मुझे मिटाना पड़ रहा है, लीजिए ऊपर से भी मिटा दिया, ये सब कुछ मिटा दिया क्योंकि इसके लिए जगह चाहिए पूरा। अब आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां से मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा गौर करिएगा, यहां से मैं लिख रहा हूँ पाई बाई टू जीरो स्टूडेंट, देखिए दोनों में क्या है, दो लॉग के बीच में प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ होता है लॉग, देखिए क्या होता है दोनों गुणा में आ जाता है, आंसर आ जाता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डी एक्स हो जाता है स्टूडेंट। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, अगर मैं दो से गुणा करा दिया और दो से भाग कर दिया तो क्या दो से दो कट जाएगा, क्वेश्चन को कोई असर नहीं पड़ेगा, ये देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया मैंने। अब सुनिए, दो समीकरण हम मान चुके हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, दो समीकरण हो चुका अभी तक। चलिए अब देखिएगा मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं, ये तो चलता रहेगा पाई बाई टू जीरो चलता रहेगा। स्टूडेंट बताइए क्या है, ये सूत्र है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डी एक्स होता है। स्टूडेंट आप जानिए आगे का स्टेप क्या होगा, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो, यहां से तोड़ेंगे लॉग का नियम से, लॉग देके एक बार लिखेंगे ऊपर वाला, लॉग देके एक बार लिखेंगे ऊपर वाला होल डी एक्स माइनस लॉग देके एक बार नीचे वाला लिखेंगे log टू होल डी एक्स लिखेंगे, या अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो, ठीक से समझिए, log देके एक बार ऊपर वाला अलग लिखेंगे, log देके एक बार नीचे वाला अलग लिखेंगे। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अति महत्वपूर्ण ये एक प्रकार का इक्वेशन हो गया। एक काम करते हैं, यहां मुझे एक चीज दिख रहा है उसको भी कर लेते हैं तब समीकरण हम मानते हैं, या log टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेते हैं, तो ये एक स्टेप और मेरा उतरना शुरू हो गया। अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो लिखेंगे log साइन टू एक्स होल डी एक्स, आपको पता है कि ये कांस्टेंट है गया बाहर, log 2 गया बाहर, तो बताइए आप ही बताइए कि log 2 जब बाहर जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, और अपर लिमिट कितना होगा पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो होगा। ठीक है, ये log 2 गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो होगा। इसके बाद क्या स्टेप देखते चलिए, फटाफट देखते चलिए, ऊपर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट यहाँ जगह है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए क्या होगा, यहां से होगा टू आई, फिर क्या होगा अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो होगा स्टूडेंट, और ये चीजें मैं फिर से लिखता हूं log sin 2x होल डी एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप, अब चलिए स्टूडेंट ये log 2 है मेरे पास, माइनस देके log 2 है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट शिफ्ट करेंगे, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट शिफ्ट करेंगे तो इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब स्टूडेंट मैं इस थोड़ा सा और भी मिटा लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमको लिखने में,
स्टूडेंट ये देखिए अगला स्टेप ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा पाई बाई टू जीरो, ये चलता रहेगा, log sin 2x होल dx रहेगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये गुणा होगा तो आंसर होगा माइनस पाई बाई टू log 2 आंसर आएगा। ये रहने दीजिए, इसको हम समीकरण तीन कह लेते हैं स्टूडेंट, तीन नंबर समीकरण कह लेते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि ये समीकरण तीन है तो हम इसको यही रहने देते हैं, इसमें से हम सिर्फ इसको निकाल लेते हैं, इसको हम सिर्फ इसको निकाल लेते हैं, अलग कहीं अलग इसको हल कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आता है ले आके यहां रख देंगे और यहीं से मेरा साबित हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो भाई, अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो, लॉग देखे क्या है भैया, साइन टू एक्स है, होल डी एक्स है, इसको कैसे बनाते हैं तो टी मान के बनाते हैं, ऐसे पुटिंग लिखते हैं, पुटिंग टी बराबर टू एक्स है ऐसे। एक चीज है, इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स, और यहां भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स, हम क्या लिखते हैं टू एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन दो होता है, डी एक्स ने भाग डी एक्स ने गुणा होगा तो डी टी मेरे पास बच जाता है। स्टूडेंट को बात याद रखिएगा, जब डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो, जब मानने वाली बात आ जाए तो यहां से करते क्या है, हम लोग अपर लिमिट को शिफ्ट करते हैं, अपर लिमिट शिफ्ट हो गया, आंसर टी बराबर पाई हो गया। अब फिर एक बार और करते हैं हम लोग, टी बराबर टू इंटू जीरो है तो जीरो होगा तो टी का मान जीरो होगा। स्टूडेंट आप जानिए इस बात को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ये मेरा जो समीकरण तीन है इसको नहीं मिटाना है क्योंकि इसी से मुझे आंसर मिलता है, मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, इसी से आंसर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम थोड़ा सा जो डॉट डॉट लाइन किया हूं उसको मिटा लेता हूं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आपको। मैं जो है इक्वेशन थ्री को हम मिटाने वाले नहीं है, इक्वेशन थ्री को मिटाना सही नहीं है क्योंकि यही मेरा आंसर वाला स्टेप है, इसी में इसका वैल्यू निकाल के लिया कि इसी में रखना है समीकरण तीन में जो यहाँ निकल रहा है, देखिए कैसे बन रहा है। तो चलो स्टूडेंट, यहां से आप देख लिए कि मेरे पास अपर लिमिट पाई हो गया, लोअर लिमिट जीरो हो गया और मैंने 2x को t माना है। अब चलो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो क्या लिखूंगा वो चीज देखिएगा स्टूडेंट। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये इसके बाद का स्टेप ये है, अब इसके बाद का स्टेप ऊपर गया, देखिए पाई बाई टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ लॉग है तो लॉग तो रहेगा, साइन टी हो जाएगा, 2x की जगह पर टी माने हो, लेकिन अपर लिमिट बदल जाएगा, अपर लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगा पाई और जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा ये dx है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2dx है, लिखा है 2dx, 2dx, 2dx का मतलब होता है कि दो है ना गुणा तो दो है ना भाग कर जाएगा, यानी dt by 2 बराबर dx हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी dx की जगह पर मेरे पास आया है dt by 2, ठीक से समझ जाएगा स्टूडेंट कि ये दो है ना गुणा तो दो है ना भाग करेगा, तो ये हो गया मेरा dx का मान dt by 2, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो ये समीकरण तीन तो मुझे मिटाना नहीं है, एक काम करते हैं समीकरण तीन को कहीं अलग लिख लेते हैं, ये समीकरण तीन को कहीं अलग हम लिख लेते हैं, कहीं अलग लिख लेते हैं, टू वाई बराबर अपर लिमिट पाई बाय टू लोअर लिमिट जीरो। देखता हूं पहले ये सारी चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, समीकरण तीन को कहीं अलग लिखना है मुझे, समीकरण तीन को अलग लिखना है, तो काम करते हैं थोड़ा सा और नजदीकी मामला इधर से लिखते हैं ऐसे, समीकरण तीन को कहीं अलग लिख लेते हैं, अपर लिमिट पाई बाय टू लोअर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट जीरो, और क्या है लॉग देखे क्या है, साइन टू एक्स है, होल डी एक्स है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, इस चीज को मिटाना एकदम जरूरी है, ठीक है। ये लॉग है स्टूडेंट, देख लीजिएगा। चलिए तो कहा देखा आपने कि इसका सारा चीज मैंने यहां शिफ्ट कर दिया है, बस आपको इंटीग्रेशन करके समीकरण तीन में ले आकर रख देना है। अब आइए स्टूडेंट, जगह मेरे पास हो गया, अब हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो कॉन्स्टेंट गया बाहर, वन बाई टू गया है, पाई जीरो बचेगा, लॉग देके साइन टी होगा, होल डी टी होगा, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद क्या स्टेप, दो से अगर गुणा कराते हैं ना तो डिफिनिट इंटीग्रल का ये गुण है, ये हाफ हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाता है, ये अपने जगह पर लोअर लिमिट वैसे रहता है, लॉग साइन टी डी टी हो जाता है, इसे दो से दो कट गया, तो क्या मैंने ला दिया वो चीज समझने का प्रयास करिए, मैंने क्या साबित कर दिया, मैंने क्या लाया वो चीज समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने क्या ला दिया, मैंने ला दिया क्या ला दिया, तो मैंने ला दिया भैया पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी। अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, याद करो, अपर लिमिट बी हो, लोअर लिमिट जीरो हो, अगर यहाँ साइन एक्स डी एक्स हो, सॉरी मतलब यहाँ कुछ भी हो, मान लेता हूँ एफ एक्स डी एक्स हो, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको अगर अपर लिमिट बी हो, लोअर लिमिट जीरो हो, इसको एफ टी डी टी लिखा जा सकता है, यानी कहीं लिखा हो पाई बाई टू जीरो लॉग साइन टी डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं,
साइन एक्स एडीएम में लिखने से इसके प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ता। यही क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही था जिसको मैंने आई माना था, याद रखो जिसको मैंने क्या माना था, आई माना था। तो मैंने क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा के ये साबित कर दिया कि पाई बाई टू जीरो लॉग साइन टी डीटी आई है। क्या है ये इसका मतलब क्या है, आई है, क्योंकि लॉग साइन टी डीटी और लॉग साइन एक्स डीएक्स में कोई अंतर नहीं, एक प्रकार का डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यही तो प्रॉपर्टी है जो आपने देखा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कहां कपड़ा रख दें, हाँ ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, वो मेरा समीकरण तीन है। तो हमने साबित कर दिया कि पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, ध्यान से सुनो बेटा मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा बताया कि लॉग साइन टी डीटी, हमने 2x को क्या माना है, t माना है। तो याद रखो बेटा कि मैंने बनाते बनाते गया आंसर ला दिया log sin t dt, तो log sin t dt को समझिए कि log sin x dx है, जिसमें t का मान कितना है, 2x है। तो इसको मैंने i का कह दिया, i कह दिया। अब ले जाकर समीकरण तीन में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, बोलिए फ्रॉम इक्वेशन थ्री कहां है, तो यहां है, देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थ्री है, अपर लिमिट पाई बाई टू जीरो है, और क्या है, लॉग है साइन एक्स साइन टू एक्स डीएक्स है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू है। बेटा ध्यान रखिएगा, इसको आपने क्या लाया है भैया, इसका जगह पर आपने आई लाया है, क्या लाया है, आई, क्योंकि लॉग साइन टी डीटी को मैं लिख सकता हूं, क्या आई लिख सकता हूं, मैंने साबित कर चुका हूं कि आई होगा ये। अब ये चीज समझने का प्रयास करिए कि मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया टू आई बराबर हो गया आई, इसका आंसर मैंने क्या लाया है, आई लाया, देखिए यहां से आई आया है, आई रख दीजिए, अब माइनस पाई बाई टू लॉग टू दे दीजिए, बोलिए ऑफिस से पूछूंगा कि हैने प्लस हैने क्या माइनस, टू आई में से आई घटा लीजिए, आंसर माइनस पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा, अब दो को आई में से एक आई घटेगा तो आई बराबर होगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू। देखिए क्वेश्चन को मैंने आई माना है, तो आई माना है तो क्या माना था, आई का बदला क्या था, पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स था, यहां लिखेंगे लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाई टू लॉग टू। देखिए मैंने साबित कर दिया जी आपका क्वेश्चन, बस आपको ठीक से देख के प्रैक्टिस कर लेना है, यहां समझना बहुत जरूरी है कि बनाते बनाते के आंसर आ गया, जिसको आई है अंदर आई है, जिसमें टी का मान क्या है, टू एक्स, तो ये जब ये टू एक्स होगा तो ये डीएक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ओ हो लॉग साइन एक्स डीएक्स क्या है, तो आई है, इसके जगह पर मैंने आई रख दिया। देखिए ये मेरा समीकरण तीन है, इसके जगह पर मैंने आई रख दिया, आई है ना प्लस है ना माइनस, आंसर आ गया, साबित हो गया क्वेश्चन। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक था जो आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना है, ये आएगा तो पांच नंबर एकदम कंप्लीट आएगा। इस क्वेश्चन का बार बार आप रिविजन करिए, बार बार इसको देखिए, ठीक है, चलिए चलो भैया आइए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए आप, इसके बाद का क्वेश्चन मेरे पास है, इसके बाद का क्वेश्चन किधर गया भैया, इसके बाद का क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए हाँ इसका दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अपर लिमिट कितना है, पाई बाई फोर है, अपर लिमिट पाई बाई फोर, लोअर लिमिट जीरो है, लॉग देखिए क्या है, तो लॉग देखिए दे दिया है आपका वन प्लस टेन एक्स होल डी एक्स दिया है। ठीक है, ये क्या करना है, तो इसका इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है, मान निकालना है, ई वी ए एल यू ए टी, इवेलुएट करना है जी भाई, इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा, चलिए थोड़ा हम स्याही भी डाल लें, इवेलुएट करना है, चलिए देखिए सब कुछ आ रहा है, द मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, इवेलुएट करना, लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, अपर लिमिट पाई बाई फोर जीरो, इवेलुएट करना है आपको। चलो भाई इवेलुएट करना है, तो इसको कैसे हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, लिखते हैं लेट आई बराबर क्वेश्चन पाई बाई फोर जीरो लिखते हैं, लॉग देखे क्या लिखते हैं, ओहो और माथे पर आएगा पाई बाई फोर, देखिए लॉग देखे क्या है, वन प्लस टेन एक्स होल डी एक्स है, इसको समीकरण ए कर दीजिए। अब कैसे बनाते हैं, नाउ लगा के कामा लगा के आपको बताया था, अपर लिमिट पाई बाई टू पाई बाई फोर जीरो, यहां करूंगा लॉग, यहां करूंगा वन प्लस टेन, यहां करूंगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, ऐसे होल डी एक्स,
स्टूडेंट देखिएगा मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई फोर जीरो लिखूंगा, लॉग लिखूंगा, आपसे पूछूंगा कि टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का सूत्र बताइए। आप यहां से बताइएगा सर ऐसे होगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू क्या होगा टेन बी, इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए आपको पता चल गया पाई बाई फोर जीरो यहाँ होगा, लॉग यहाँ होगा, वन प्लस इसका मान एक होता है तो वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस यहाँ एक होगा तो यहाँ भी टेन एक्स ही होगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपका समीकरण एक है और ये लास्ट स्टेप, थोड़ा देखना है मुझे सब कुछ दिख रहा है ना बढ़िया से, एकदम दिख रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते, समीकरण एक को मिटाना नहीं है, समीकरण एक को मिटाना नहीं है, जगह नहीं है तो हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, जगह नहीं है तो हम इसको मिटा लेंगे, फिर इसको मिटा लेंगे, ठीक है। इसको अब इसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसको मुझे आगे बढ़ाना है तो कैसे आगे बढ़ाना है ये देखते चलिएगा। पाई बाई फोर जीरो आगे बढ़ रहा हूं, यहां से बट्टा का जोड़ करूंगा, यहां से बट्टा का जोड़ करूंगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा वन प्लस टेन एक्स, बट्टा का जोड़ मैं कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कट गया, ठीक है। तो आंसर यहां से क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, वो चीज देखते चलिए। इसके बाद क्या स्टेप नीचे देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं पाई बाई फोर जीरो लिख रहा हूं स्टूडेंट, यहां मैं लिख रहा हूं दो बट्टा हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स होल डीएक्स। अब यहां से लॉग का रूल लगाओगे तो पाई बाई फोर जीरो तो होगा लॉग देखिए ऊपर वाला होल डीएक्स माइनस पाई बाई फोर जीरो लॉग देखिए नीचे वाला, लॉग देखिए नीचे वाला क्या है तो वन प्लस टेन एक्स है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि मैंने log 1 plus 10x whole dx को i माना है, इसके जगह पर तो i हो जाएगा, देखिए log देखिए ऊपर वाला माइनस log देखिए नीचे वाला, ठीक है स्टूडेंट। i इधर क्या चल रहा है, कब से i चल रहा है, कहां चल रहा है, i चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या स्टेप यहां है, log देखिए ऊपर वाला अलग माइनस log देखिए नीचे वाला, यही चीज तो क्वेश्चन है, देखिए ना यही तो आपका क्वेश्चन है, बस i रख दीजिए, इसके नीचे i रख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन बनते। अब हम समीकरण एक को मिटा सकते हैं, अब हम समीकरण एक को मिटा सकते हैं। इसके बाद क्या स्टेप कहां है, इसके बाद क्या स्टेप हम ऊपर से लिख रहे हैं, तो इसको अच्छा से समझ लीजिए। आप क्वेश्चन भी मिटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी लीजिए डाले, मेरे पास जगह ही जगह हो गया। अब यहां से समझने का प्रयास करिएगा, यहां से कॉन्स्टेंट गया बाहर यानी लॉग टू गया बाहर, यहां बचेगा आपका डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, अपर लिमिट पाई बाई फोर लोअर लिमिट जीरो होता है, और ये मेरा क्या है बेटा, तो ये मेरा आई है, समीकरण एक है, यही तो समीकरण एक है, समीकरण एक को आई से सूचित किया हूं। अब देखिए इधर माइनस इधर क्या हो गया प्लस टू आई हो गया। अब चलिए यहां से आपको पता है कि क्या करते हैं, लॉग टू बोलिए जहां जहां एक्स है अपर लिमिट भरते हैं लोअर लिमिट भरते हैं, यानी आंसर मेरा आएगा टू आई बराबर हो जाएगा आपको पाई बाई फोर लॉग टू आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद का स्टेप फटाफट फटाफट देखिए, एकदम समय नहीं आपके पास, इसका रिविजन करना है वीडियो देख के फटाफट। अब सुनिए यहां से आप क्या करोगे स्टूडेंट, आई बराबर लिखोगे, आप आई बराबर लिखोगे, गुणा देने भाग करेंगे, पाई बाई एट होगा, लॉग टू आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर दो था, अब क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, मैं देख लूं कि सब कुछ आ रहा है ना, एकदम आ रहा होगा, आ रहा है। चलिए चलिए फटाफट भागते हैं, दो क्वेश्चन हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन हम क्या लेके आ रहे हैं वो देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए आप, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन यहां से मैं लिख रहा हूं, तीन नंबर क्वेश्चन में सेटिंग कर रहा हूं, कौन बेहतर क्वेश्चन है भाई, ये हो गया आपका बेहतरीन क्वेश्चन, और कोई बेहतरीन क्वेश्चन मिल जा मिल जा, कोई बेहतरीन क्वेश्चन आ जाइए। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन और भी हमको दिखाई दिया, एक बेहतरीन क्वेश्चन और हमें दिखाई दिया, ई वी ए एल यू ए टी, कोई जरूरी नहीं कि एकदम यही आएगा, हो सकता है कि इसके तर्ज पर आ जाए तो आप जरूर बना लीजिएगा। पाई बाई टू जीरो होगा, यहां से देखिए क्या है साइन ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है साइन एक्स का दे दिया है भैया, साइन एक्स प्लस प्लस एक्स, ओहो का लिख दिया यार, पाई बाई टू जीरो दिया है, ओ यार किधर चला गया क्वेश्चन, किधर चला गया, ओहो पाई बाई टू स्क्वायर रूट कॉस एक्स है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट कॉस एक्स है, ठीक है। और नीचे कहा दे दिया है भाई स्क्वायर रूट कॉस एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट कॉस एक्स दे दिया है प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स दे दिया है, होल डीएक्स दिया है, बस एक क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, लिखते हैं लेट आई बराबर क्वेश्चन लिखते हैं, पाई बाई टू जीरो लिखते हैं, स्क्वायर रूट कॉस एक्स लिखते हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कॉस एक्स लिखते हैं, प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स लिखते हैं, और डीएक्स समीकरण एक बोलते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं नल लगा के कमा लगा के आई बराबर लिखते हैं पाई बाई टू जीरो। अब क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है ना वहां पाई बाई टू माइनस एक्स लिखते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स लिखते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करते हैं, क्या करते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं स्टूडेंट। अब क्या करते हैं तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं, होल डीएक्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को मैंने समीकरण एक माना है, फिर यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, विश्वास है ऐसा क्वेश्चन आप बना लिया है। ठीक है, सिर्फ मैं दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस इस क्वेश्चन का, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। अब इसके बाद के स्टेप ऊपर देखिए, आई बराबर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अपर लिमिट वही, लोअर लिमिट जीरो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सबको पता है साइन एक्स होगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स सबको पता है साइन एक्स होगा। अच्छा ये भी पता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, साइन होगा तो कॉस होगा तो साइन, कॉस होगा तो साइन, ये होल डीएक्स, ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, आई आई टू आई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, इस चीज को भी मिटा रहा हूँ, इस चीज को भी मिटा रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ एडिंग वन इन टू। ठीक है, तो देख लीजिए ये दो जगह कॉस है, एक जगह साइन है। अच्छा ठीक है, देखेंगे एडिंग वन इन टू, याद रखिएगा समीकरण दो क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, जगह नहीं है, कॉस साइन याद रखिएगा, कॉस साइन। चलिए अब लिखेंगे एडिंग, यहां लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन वन एंड सेकंड, वन एंड सेकंड लिखे, वन आई टू आई, दोनों में कौन है पाई बाई टू जीरो, यहां से हमारा दिख रहा है साइन एक्स, यहां से मेरा दिख रहा है साइन एक्स, प्लस यहां से मेरा दिख रहा है कॉस एक्स, प्लस अब आइए समीकरण एक चलते हैं, ये तो मेरा समीकरण, अच्छा चलिए इसे में जोड़ देते हैं, यहाँ मेरा क्या था कॉस एक्स, याद करिए समीकरण एक याद करिए, यहाँ का यहाँ क्या था कॉस एक्स, यहाँ क्या था मेरा साइन एक्स, यहाँ मेरा क्या था साइन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा होल डी एक्स, बस इसको जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। चलिए जोड़ा जाए फटाफट 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 जोड़ा जाए, आइए जोड़ते हैं इस चीज को हम लोग जोड़ते हैं, ये जोड़ के क्या करेंगे बेटा, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट, दोनों का एलसीएम कितना होगा भैया, दोनों का एलसीएम होगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये भाग करेगा ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा साइन एक्स प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉस एक्स होल डी एक्स हो जाएगा, ये कट गया। तो देखिए आंसर क्या मिलने वाला है, आपको पता है ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ये क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट मेरे सॉल्व कर देंगे विश्वास है। चलिए अब यहां से देखिए तो भैया पाई बाई टू जीरो कट के आंसर क्या आया, तो डीएक्स आया, डीएक्स का इंटीग्रेशन तो लगभग सब लोग जानते हैं एक्स होता है, अपर लिमिट ओहो ये अपर लिमिट पाई बाई फोर में क्यों लिख रहा हूँ पाई बाई टू, हाँ ठीक है अपर लिमिट पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो, आंसर होगा टू आई बराबर क्या होगा पाई बाई टू होगा, जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं, आंसर होगा आई बराबर पाई बाई फोर, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाई फोर। उम्मीद करता हूं जरूर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर चार, इवैल्यूएट जो मैं पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, पिछले वीडियो में देखिएगा ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका है वो अपर लिमिट पाई बाई थ्री है, लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स है, और क्वेश्चन जो यहाँ दे रखा है वो है डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट क्या लिखता हूं मैं भी वन प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स लिखना है, हो गया, ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछले वीडियो में, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, पिछले वीडियो में इसका हम आंसर दे चुके हैं, बना चुके हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, वीडियो निकाल के देख लीजिएगा आप, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चार को आप, ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन आइए स्टूडेंट, आइए चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखिए। अब मैं देखता हूं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन हमको दिखाई देने लगा, देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रूफ करना है जीरो, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा है प्रूव दैट, देखिए भगवान
जरूर मेहनत करने वाले का साथ देते हैं, मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं। यहाँ देखिए काविया है साइन टू एक्स लॉग, देखिए काविया है साइन टू एक्स लॉग, देखिए दिया है टेन एक्स लॉग, देखिए टेन एक्स लॉग साइन टू एक्स लॉग, देखिए टेन एक्स ओल्ड डी एक्स बराबर आपको जीरो साबित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं जैसे अदर क्वेश्चन हमने बनाया है कि लटाई बराबर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, लटाई बराबर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे साइन टू एक्स, अब बगल में लिखा है लॉग, देखिए क्या लिखा है टेन एक्स ओल्ड डी एक्स, इसका कहाँ दिया समीकरण एक। अब लिखेंगे नाउ लगा के कोमा लगा के आई लगा के लिखेंगे अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। यहां से मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, जहां जहां एक्स है स्टूडेंट, जहां जहां एक्स है वहां मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट गौर करिएगा, जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं। देखिए पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया, फिर यहाँ पर लॉग है तो लॉग कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए टेन है तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ लिखेंगे अपर माइनस एक्स होल डी एक्स। मैं देख लेता हूँ ये चीजें आ रही है ना मोबाइल के पीछे जाके, सब कुछ आ रहा है। ठीक है ठीक है, एकदम सही जा रहा है, भागते चला जा स्टूडेंट। आंसर देखिए कितना होगा पाई बाई टू जीरो, ये दो से गुणा होगा तो आंसर आपका हो जाएगा, देखिएगा ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा पाई माइनस टू एक्स, अंदर घुस गया कट गया, ये से गुणा हो गया टू एक्स पाई माइनस टू एक्स स्टूडेंट। अच्छा आपको ये भी पता है कि टेन नब्बे डिग्री माइनस थीटा होता है कट एक्स और डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या देख रहे हैं, इसका नाम हम समीकरण दो ले रहे हैं, हमको ये भी देखना है कि आ रहा है कि नहीं, इसका नाम समीकरण दो। ठीक है समीकरण दो नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसका नाम हम लोग समीकरण दो ले रहे हैं, ये थोड़ा सा और ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है फिर से आ जाइए, ये लॉग है तो लॉग रहेगा, टेन इतना का होता है कट एक्स होल डी एक्स, ये समीकरण मेरा दो रहा। ठीक है अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, आइए दोनों समीकरण को जोड़ के देखते हैं, हमें जीरो प्रूफ करना है इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो लिखिएगा एडिंग, क्या लिखिएगा एडिंग द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन वन एंड सेकंड, वन एंड सेकंड। आइए कितना होगा स्टूडेंट, टू आई होगा अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो, साइन एक्स ऑटो डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसको पहले जोड़िए, साइन टू एक्स दिया है लॉग दिया है और यहां से आपका टेन एक्स होल डी एक्स दिया है, और इसमें आपको जोड़ना है क्या जोड़ना है, साइन एक्स ऑटो डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, लॉग कट एक्स है तो लॉग कट एक्स हो जाएगा, लॉग कट एक्स होल डी एक्स हो जाएगा, बस इसको जोड़ देना है। अब हमें देखना है कि वो चीजें आ रही है कि नहीं ऊपर मोबाइल में पूरी चीजें, ओहो हो साइन टू एक्स लॉग 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 लॉग, थोड़ा सा ज्यादा निकल गया है, हमें छोटा सा लिखना पड़ेगा, हमें समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ना है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मोबाइल में, आ नहीं रहा है, हम छोटा सा लिखेंगे साइन एक्स ऑसी डिग्री माइनस थीटा साइन टू एक्स, यहां होगा लॉग, देखिए क्या होगा कॉट एक्स होल डी एक्स। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़िए, इस चीज को मिटा लेते हैं हम आराम से एकदम, चलिए इस चीज को भी मैंने मिटा लिया, चल बेटा आंसर देखिएगा 2y बराबर क्या होगा अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। ऐसे अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हो गया मेरे पास 2x, बचेगा log 10x, यहां से बचेगा log 10x प्लस log cot x बचेगा, log cot x बचेगा होल डी एक्स बचेगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या बताइए अब क्या कॉमन है, आपको ये कहेगा सर दो गो लॉग के बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो एंगल गुणा कर जाता है, आप यही कहिएगा अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो, आंसर आपका हो जाएगा साइन टू एक्स, और यहां से लॉग देखिए दो गो लॉग के बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता है तो एगो लॉग लिखा जाता है, एंगल गुणा करता है टेन एक्स इंटू कॉट एक्स होल डी एक्स, आपको पता है कि टेन इंटू कॉट एक्स का एक होता है एक, तो एक होगा भैया आप एक लिखोगे, यहां आप एक लिखोगे तो आंसर तक क्या हो जाएगा बता दो साइन टू एक्स लॉग वन हो जाएगा, और लॉग वन का मान जीरो होता है, लॉग वन का मान जीरो होता है, यहां जीरो रखेंगे सारा चीजें जीरो आ जाएगा, सभी चीजें जीरो होगा, तो इस बात को हम लिखे कहां, बोर्ड तो मेरे पास बहुत छोटा है दिख ही नहीं रहा है, चलिए हम ऊपर से ही मिटा लेते हैं, ये ऊपर से ही मिटा लिया, अब इसके बाद क्या स्टेप ऊपर चले जाते हैं, यहाँ टू आई लिखते हैं, आपको पता है कि लॉग वन का मान जीरो होता है,
तो जब यहाँ जीरो रखोगे भैया अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कॉन्स्टेंट गया बाहर, ऐसे भी तो लिख सकते हो कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी क्या बन रहा है, लॉग वन बन रहा है, लॉग वन का मान जीरो होता है आपको पता है, यहां से बच गया मेरे पास अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो का, बच गया साइन टू एक्स होल डी एक्स, लॉग वन का मान जीरो होता है। जैसे आप यहाँ पर जीरो रखोगे, जीरो से इसको गुणा कराओगे, सब जीरो आ जाएगा। तो क्या देख रहे हो भाई कि हमारे पास जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जीरो आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भाई, जीरो आंसर आ गया। आई बराबर क्या आ गया भाई, जीरो। तो ये प्रूफ हो गया, जिसमें आई का मान क्या था, आई का मान लिख देता हूं, आई का मान क्या था क्या था क्या था, किधर गया क्वेश्चन, किधर गया क्वेश्चन, हाँ मैंने प्रूफ कर दिया पाई बाई टू जीरो, और यहां से क्या है साइन टू एक्स, यहां से है साइन टू एक्स, लॉग देखे क्या है, साइन टू एक्स लॉग देखे क्या है, टेन एक्स है, लॉग देखे टेन एक्स ओवर डी एक्स का मान हमने साबित कर दिया कि हाँ जीरो ही होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, खूब बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दो दिन और बचे हैं, एक तारीख को परीक्षा है, हम भी बड़ी जल्दी में है कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको सिखा दे। ठीक है चलिए, तो स्टूडेंट कितना क्वेश्चन बना लिए अभी तक, चार क्वेश्चन आप बना लिए, चारों का प्रैक्टिस मारिए जल्दी से स्पीड में। अब देखिए मैं आपको कहां लेके चलता हूं, ये रहा आपका क्वेश्चन, अभी इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन सिखा देते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, इनवर्स ट्री, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है रुक जाइए, वो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, वो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, अच्छा चलते हैं उसको बाद में देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन का नंबरिंग होगा देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आप नंबरिंग देख लीजिएगा, हम स्टार लगा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको लिखा गया है इवैल्यूएट, देखिए ई वी एल यू ए टी इवैल्यूएट, इवैल्यूएट में क्वेश्चन आपका दे रखा है साइन का दिया है, साइन कॉट इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स 10, 10 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इवैल्यूएट नहीं है यार ये तो, क्वेश्चन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन लग रहा है, एक्स साबित करना है, ओ हो एक्स साबित करना है यार, ये तो प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ डेट आपको साबित करके दिखाना है इसको। ठीक है तो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, आइए नीचे सॉल्यूशन हम लेके चलेंगे, एलएचएस, एलएचएस क्या है तो साइन है, कॉट इनवर्स है, टेन है, और क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, कुछ नहीं इसको हम कुछ मान लेते हैं। देखिए मैं मान रहा हूं कि लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, आपको पता है कि एक्स बटा वन होगा तब बी बाई एच होगा, तो हम निकालेंगे पी वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से आंसर कितना होगा, साइन है तो साइने होगा, साइन है तो साइने होगा, कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स होगा, और टेन है तो टेने होगा। स्टूडेंट इसको अपने अल्फा माना है जी, अल्फा माना है तो अल्फा दे दो जी, अल्फा दे दिया जी, तो आंसर होगा साइन कॉट इनवर्स, आपको पता है कि टेन का सूत्र होता है पी बाई बी का होता है, पी बाई बी होता है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले सब कुछ देख ले मोबाइल में आ रहा है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आपको लगाया जा रहा है, प्रूफ करना है साइन कॉस इनवर्स टेन कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स साबित करना है, सॉरी सॉरी कॉट इनवर्स नहीं कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स साबित करना है। चलिए समझ गए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा तो एक्स बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस का सूत्र होता है टीगो है बी बाई एस, हम निकालेंगे पी और यहां रखेंगे अल्फा तो हो जाएगा टेन अल्फा, टेन का सूत्र होता है पी बाई बी, पी का मान यहां है बी का मान यहां रख दीजिए, अब रखेंगे जगह नहीं है, यहां देखिए यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट साइन है तो साइन कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स, अब पी बाई बी का मान रखेंगे, पी का मान मेरे पास है स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा बी का मान मेरे पास कितना हो रहा है एक्स हो रहा है स्टूडेंट, ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। चलिए इसके बाद क्या स्टेप जो मिटाया हूं यहां है, ठीक है स्टूडेंट अब इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, जैसे मैं मान रहा हूं कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स बराबर बीटा, इस बार बीटा मान लिया, तो बीटा मान लिया तो कॉट उधर जाएगा तो क्या होगा देख लीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स बराबर होगा कॉट बीटा, कॉट का सूत्र होता है देखिएगा स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, यहाँ होगा बी बाई पी होगा, हम निकालेंगे एच, हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, चलिए हाइपोटेनियस निकालिए, हाइपोटेनियस निकालिएगा तो क्या होगा आंसर
पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 - x का स्क्वायर होगा, आंसर आपका 1 आ गया स्टूडेंट, ठीक है 1 आ गया। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा समझने का प्रयास करिएगा, जगह एकदम ना है, मजबूरी में मुझे ये सब सारी चीजें मिटाना पड़ गया, मुझे ये सब सारी चीजें मिटाना पड़ गया स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहा है। यहां देखिएगा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकल गया। अब देखिए इसके बाद क्या स्टेप, यहां देखिए साइन है तो साइन तो लिखेंगे, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स इतना को आपने क्या माना है तो बीटा माना है, तो यहां हो गया साइन बीटा। साइन का सूत्र होता है पी बाई एच, तो पी का मान इसमें से देखना होता है, पी का मान कितना है एक्स, तो एक्स लिख देंगे और एच का मान कितना है, देखिए ठीक से देखिए, ठीक से देखिए, एच का मान है मेरे पास 1 है तो 1 होगा, भाग देंगे तो आंसर एक्स होगा बराबर आर एच स्क्वायर। स्टूडेंट ठीक से समझिएगा भैया, इसको आपने कॉट माना है, कॉट इनवर्स इतना को बीटा माना है, तो ये चल जाएगा उधर तक कॉट बीटा, कॉट का होता है बी बाई पी, एच निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो अब यहां पर रखिएगा तो यहां होगा साइन बीटा पी बाई एच, पी का मान यहां से देख लीजिए एक्स है और एच का मान कितना एक है, भाग करेंगे एक्स आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन का जवाब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बन गया, ठीक है ये साबित हो गया क्वेश्चन, तो स्टूडेंट ठीक से देखिएगा। अब चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं, और क्वेश्चन कहां गया क्वेश्चन किधर गया, किधर गया क्वेश्चन, किधर गया भाई क्वेश्चन, भाई किधर गया क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और भी क्वेश्चन हम चारा लगा दें, क्वेश्चन गया किधर, चलो इसमें से देखते हैं इस किताब में से, क्वेश्चन चलिए मिल गया क्वेश्चन वर्स एक्स, क्वेश्चन वर्स वाई, इफ लिखा है, इफ देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ है लिखा है कि इफ कॉश इनवर्स एक्स प्लस कॉश इनवर्स वाई प्लस कॉश इनवर्स जेड बराबर क्या है पाई है तो देन प्रूव डेट, देन प्रूव डेट, तो साबित करके दिखाओ, देन प्रूव डेट तो साबित करके दिखाओ भाई, चलो भाई आओ भाई साबित करके दिखाया जाए, साबित करना है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 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 2xyz बराबर 1 साबित करना है, 1 हाँ 1 ही साबित करना है, वेरी गुड, चलिए 1 ही साबित करना है, तो इसको कैसे साबित करेंगे यहाँ लिखते हैं, सुनिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इसको जरूर बना के जाइएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर हमारा पाई दिया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तनिक गौर से सुनिएगा, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा पाई माइनस cos इनवर्स z होगा, अब सुनिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का डायरेक्ट सूत्र होता है cos इनवर्स दोनों एंगलों का गुणनफल माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस पहले एंगल का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस दूसरे एंगल का स्क्वायर बराबर में होगा पाई माइनस cos इनवर्स z, इतना दूर मैं देख लूं कि सब कुछ बोर्ड पर है ना जी, मोबाइल में आ रहा है ना जी, चलिए बहुत अच्छा इतना तो आ गया, आगे बढ़िए। अब देखिएगा यहां से क्या होने वाला, यहां से cos उस साइड लेके जाएगा RHS में, यहां बचेगा xy माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos उस साइड जाएगा तो होगा cos, ऐसे होगा पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या होगा xy माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इतना का आंसर होगा माइनस जेड, ठीक है स्टूडेंट माइनस जेड होगा, इस बात को जानिए, इतना का आंसर आपका हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट एकदम क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मिला रहे हैं, क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, क्वेश्चन एकदम सही है, मुझे थोड़ा सा डाउट था यहाँ लेकिन ठीक है एकदम सही जा रहा है। चलिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइड चेंज कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे साइड चेंज करना है, ठीक है एकदम 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 सही है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहां से क्या है एक्स वाई इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये चीजें इधर माइनस है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा,
वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आजकल कौन लिख रहा है, ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखिएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हेने का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये तो होगा, ठीक है स्टूडेंट। एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। बस आपको रिविजन करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट। इधर का जब गुणा करेंगे ना, इधर से गुणा करेंगे तो वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये चीजें कट गई, ये चीजें कट गई तो क्या बचा बेटा, वो चीज देखो क्या क्या बचा, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, पहले से यहां से प्लस जेड स्क्वायर है, और देखिए मिलाइए और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, मिलाइए 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 फटाफट, लाना क्या है, किताब का हेल्प लिया जाए, लाना क्या है उस क्वेश्चन को, देखिए एकदम बिल्कुल आ रहा है, हाँ ठीक है, यहां से आ गया प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर क्या वन, यही तो साबित करना था भाई, ये रहा प्रूफ। बस दूसरे वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डालते हैं, फटाफट इसका रिवीजन आप कर लीजिए, इसका रिवीजन कर ले, बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से धन्यवाद है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे, थैंक यू।